इसी बीच रुक करते हैं एक बड़ी खबर का, जहां डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर जलंधर के पताला पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के मामले में डेरा प्रबंध ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। राम रहीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के लिए डेरे की ओर से हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई। इस मामले में कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। डेरा प्रमुख ने पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट का रुख किया। इस मामले में अगली सुनवाई अब 30 मई 2023 को होगी। बता दें कि ये मामला संत रविदास की एक साखी को लेकर दर्ज किया गया है। राम रहीम पर आरोप है कि संत रविदास की साखी को गलत ढंग से पेश किया गया। इसी मामले को लेकर डेरा प्रमुख पर पंजाब के जालंधर में मामला दर्ज किया गया था। डेरे के प्रवक्ता के अनुसार लगाए गए आरोप गलत हैं, कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। एफआईआर के खिलाफ डेरा प्रमुख ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। जी, ये मामला है एक साखी का, जिसको कि बहुत ही तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, जिसको कि पूरी तरह सुना ही नहीं गया है। इस याचिका में ये कहा गया है, जो कि ये साखी एक सत्संग के दौरान 2016 के सत्संग में 28 फरवरी 2016 के सत्संग में ये साखी सुनाई गई थी, और इस साखी में संत कबीर जी व गुरु रविदास जी की महिमा गाई गई है। बल्कि इस साखी को तोड़ मरोड़ के उसको आधार बना के एक एफआईआर दर्ज की गई है। ये एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है, जबकि ये साखी को पूरा सुना ही नहीं गया है। इसमें ये कहा गया है कि उनका निरादर किया गया है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। और मैं आपको ये बता दूं कि डेरा सच्चा सौदा और संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान द्वारा कभी भी किसी धर्म, किसी गुरु, पीर, पैगंबर, किसी का भी कभी निरादर नहीं किया गया है। एक अपशब्द भी कभी नहीं बोला गया है। एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर पंजाब सरकार की ओर से नोटिस जारी किया गया। मामले की अगली सुनवाई 30 मई 2023 को होगी।